हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक वर्कशीट जिसमें कि अपने बच्चों को जो है मैथ्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरीके की वर्कशीट से बहुत यूज़फुल वर्कशीट होती है। चलिए देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या बच्चों को दे सकते हैं। काउंट बैकवर्ड एंड कम्प्लीट द सीरीज़ वन इज़ डन फॉर यू। ओके, हमें बैकवर्ड लिखना है, यानी कि हम जो बैक काउंटिंग लिखते हैं उसको लिखना है। बट अब ये क्या होता है कि अब हमारे बच्चे जो है क्लास टू के अंदर आ गए हैं, तो उनको थोड़ी सी नंबर्स बड़े दे दिए गए हैं, उसके हिसाब से बच्चों को जो है बैकवर्ड काउंटिंग दी जाती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में नंबर 4347, सो 46, 45, 44, 43, 42, 41 इस तरीके से बैक काउंटिंग के थ्रू ही जैसे हम बच्चों को बैक काउंटिंग सिखाते हैं, सेम इसी तरीके से आप बच्चों को ये एक एक्सरसाइज करने के लिए दे सकते हैं। इनमें नंबर्स अगर आप चाहते हैं तो नंबर्स आप चेंज कर सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग या उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आप चाहें तो अगर आप 1000 वाला नंबर आपको नहीं कराना है तो ये 1000 वाले जो नंबर्स हैं इनको आप कट कर दीजिएगा। सिर्फ आप 347, 346, 345 इस तरीके से दे सकते हैं, 354, 873, 348, 359, 234, 101, सॉरी 111 इस तरीके से भी आप बच्चों को जो है नंबर्स लिखने के लिए दे सकते हैं। सो ये वाला देखिए, ये वाला गलत किया हुआ है इस बच्चे ने, तो इस तरीके से भी आप बच्चों को जो है ये करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, काउंट द थाउजेंड्स एंड राइट न्यूमरल्स। थाउजेंड्स में हमें नंबर्स को काउंट करना है और न्यूमरल्स को लिखना है, जिससे कि थाउजेंड के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, वन है, तो हम यहाँ पे टू लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3314, 4314, 5314, 6314, 7314। सेम ऐसे ही हमें इसके प्लेस पे करना है, यहाँ पर टू दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3516, यहाँ पे हो जाएगा 4516, यहाँ पे हो जाएगा 6516, यहाँ पे 7516। इसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चों को नंबर दे सकते हैं। आप यहाँ पे जो है अगर आपको लगता है कि 1000 का नंबर बड़ा है तो आप यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे 100 वाला नंबर भी दे सकते हैं, तो आपका बच्चा जो है 100 वाले नंबर्स को भी कर सकता है। आप वही सेम इन नंबर्स को कट कर दीजिएगा, पीछे वाले नंबर्स लिखने के लिए बच्चों को इन सिंपली दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आप बच्चों को देंगे, काउंट इन हंड्रेड्स एंड राइट न्यूमरल्स। जो मैंने आपको इसमें कहा था सेम वही इसमें भी करना है। ठीक है, हंड्रेड्स में लिखना है और उनके आगे वाले जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं वो हमें लिख करके देने हैं। इन नंबर्स को हम कट करना चाहें तो हम कट कर सकते हैं, और अगर हमारे बच्चों को थाउजेंड तक के नंबर्स सिखा दिए गए हैं अगर वो जानते हैं तो आप इन नंबर्स को भी बच्चों को ऐड करने के लिए दे सकते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है, बट जब आप बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो इस तरीके की एक्सरसाइज जो होती है आप बच्चों को करवाते रहिए, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस होती रहे और वो इजीली आगे इसको कर पाएँ। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।